मस्जिदुल हरम से की हदूद से बाहर निकल आए हैं। ये पीछे जो दरवाज़ा है यहाँ से इसकी मस्जिद की हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़कर तो ये देख सकते हैं सफ़ेदी शुरू हो गई है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये बाहर के मनाजिर हैं। ये पीछे क्लॉक टावर, इस वक्त काफ़ी रश है फजर के बाद। मेरे ख्याल से आज शायद जुमा है इसलिए रश ज़्यादा है। यहाँ से आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ क्या आगे क्या करने वाले हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं और प्लान के मुताबिक खाने के लिए जाना था, बट एक ऐसी ज़्यारत का पता चला जो बिल्कुल मेरे होटल से निकलते ही सामने है। ये मैं होटल से निकला और ये सामने एक ज़्यारत है। बाहर शोर ज़्यादा था, बिल्कुल सामने ही ये ज़्यारत है। जब इस ज़्यारत का पता चला तो मैंने सोचा पहले ज़्यारत कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। ज़्यारत क्या है? जन्नतुल माला या मकबरतुल माला कहलाता है। ये कब्रिस्तान है जो कि बिल्कुल मस्जिद हराम के साथ थोड़ा सा आगे करके मौजूद है। और इस कब्रिस्तान के अंदर जो यहाँ पर हज के दौरान या अकारिब में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनको जो है यहाँ पर दफन किया जाता है। और बकौल कुछ लोग यहाँ के ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में आखिरी अशर रमज़ान का है उसमें लोगों को दफन किया जाता है। तो जो लोग यहाँ पर वफात पा जाते हैं इस एरिया में हरम की हदूद के करीब या हरम की हदूद के अंदर, तो वो 10 दिन उन खुश नसीबों के होते हैं जो यहाँ पर दफन हो जाते हैं। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मौजूद है और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे कासिम थे उनकी कब्र मुबारक पे यहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं यहाँ पर, मैं फिर आपको साथ साथ दिखाऊंगा यहाँ पर क्या मौजूद है, कैसा है, और हज़रत खदीजा की कब्र भी और हज़रत कासिम की। तो ये है गेट मकबरतुल माला का। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर। तो ये है कब्रिस्तान मकबरतुल माला या जन्नतुल माला। यहाँ पर बहुत सारे सहाबा किराम की कब्र मुबारक मौजूद हैं लेकिन वो मशकूक हैं, उनकी कंफर्मेशन नहीं है कि किन किन सहाबी की कब्र यहाँ मौजूद है। एक कब्र जो कंफर्मेशन में है वो शायद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की कब्र है, बाकी असहाब की जो कब्रें हैं यहाँ पर वो कंफर्म नहीं है कि किस सहाबी की है। बाकी हज़रत खदीजा और हज़रत कासिम की कब्र कन्फर्म्ड है क्योंकि वो एक अलग उसके लिए उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है इसलिए। ये देखें बिल्कुल हरम के सामने है, ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, बिल्कुल करीब है और बिल्कुल साथ ही ये कब्रिस्तान है। हज़रत खदीजा को उम्मुहातुल मोमिनीन का शर्फ भी हासिल है। इसके अलावा पहली मुसलमान होने वाली जो शख्सियत थी वो भी हज़रत खदीजा थी। हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो औलाद थी उनकी वालदा थी, जबकि सिर्फ हज़रत इब्राहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। उनके अलावा इस हिस्से हम दाखिल हुए थे जन्नतुल माला में, वो जो हिस्सा है अब ख़त्म हो गया और इसका दूसरा हिस्सा एक टनल के थ्रू गुजर रहा है जिस टनल से मैं इस वक्त जा रहा हूँ। इस हिस्से से गुज़रने के बाद जो आगे हिस्सा है वहाँ पर हज़रत खदीजा और हज़रत कासिम की कब्र मुबारक मौजूद है। टनल से होते हुए अब हम दूसरे एरिया के अंदर आ गए और हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक के करीब आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हज़रत खदीजा की कब्र है वो एरिया थोड़ा सा हाइटेड है, ऊंचा है और उसी के साथ पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है। ये रास्ता चढ़ाई है थोड़ी सी और
ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा और करीब से जाके दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखें, ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है और ये जो एरिया पैक्ड है, ये वो जगह जहाँ पर हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक है और इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। ये ख़ास मौक़ों पर स्पेशल ख़ास शख्सियत आए तो ही खोलते हैं, बट आगे से किसी जगह से इसका नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा पैक्ड है, यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा बट यहाँ से नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये एरिया, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट, ये हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक है और इसी के साथ मतलब इसी हिस्से के अंदर हज़रत कासिम की कब्र भी मौजूद है। अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ऊपर से रास्ता अगर है तो मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। यहीं पर खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं तो फिर ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई, ये पहाड़ है जो ऊपर से कुछ कटा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कुछ आबादी की हुई है। ये थोड़ी सी चढ़ाई है, ऊपर से हो सकता है किसी जगह से आगे किसी दीवार से क्लियर व्यू नजर आया हमें। यहाँ से मुमकिन है इसके ऊपर चलते हैं स्टेप पे, यहाँ से हमें नजर आता है, क्लियर नजर आएगा। ये है जी कब्रिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पे हज़रत खदीजा की कब्र है। अब ये जो जगह है जहाँ से आपको मैं दिखा रहा था, जहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं, ये जो निचला हिस्सा है बिल्कुल, ये हज़रत खदीजा और हज़रत कासिम की कब्र है। जबकि यहाँ पे इस हिस्से के अंदर कुछ सहाबा कराम हैं जिनकी कब्रें मौजूद हैं, बट उनका नाम जो है वो कंफर्म नहीं है कि कौन कौन साहब यहाँ पर मौजूद है। ये क्लॉक टावर है सामने हरम, और बिल्कुल इसी के साथ जन्नतुल माला। ये पूरा व्यू है इस कब्रिस्तान का ऊपर से, बाकी अतराफ में पहाड़ी हिस्सा है। ये देखें, ये था मकबरतुल माला या जन्नतुल माला कब्रिस्तान। और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा आगे बाहर निकलने का, बाहर निकलने के बाद अब नाश्ता करूँगा जाके हल्का फुल्का सा। सामने एक कैफ़े टाइप शॉप नज़र आई है, कैफेटेरिया आर्ट के नाम से, यहाँ से देखते हैं कुछ नाश्ते के लिए। यहाँ पे नूडल्स रखे हुए हैं, बाकी अंदर बर्गर सैंडविचेस और शॉर्मा टाइप भी कुछ होगा, अंदर बना तो रहे हैं ऐसे समथिंग लाइक दैट। इनका मेन्यू लगा हुआ है, ब्रोस्ट है, चिकन बर्गर है, नगर चिकन मीट है, ये एक फलाफल का सैंडविच और एक शाही, एक फलाफल का सैंडविच और एक शाही। ये एक सैंडविच मिला है यहाँ से और एक चाय 7 रियाल। ये हमारा सैंडविच और चाय आ रही है। दो शाही। आती भाई चाय। लिप्टन डाल दो सर, एरिया चाय और दूसरे आदमी सैंडविच है। रूम में जाके इसको खाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह, कुछ और ज़्यारात करेंगे।